हेलो दोस्तों, क्या हाल है? दोस्तों, आप लोग हेमेटर कमेंट यूज करते हो तो आप सभी लोग के लिए काफ़ी अच्छा गुड न्यूज़ ये है कि हेमेस्टर कमेंट के लिए सबसे पहले तो आपको पता ही हो गया है कि हेमेस्टर कमेंट का आपको जो लिस्टिंग डेट है वो तो आपको 26 सितंबर है ही है, अरे तो जान ही गए होंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ने जैसे सबसे पहले अनाउंसमेंट कर दिया है हेमेस्टर कमेंट को लेकर, जो अपने प्लेटफॉर्म पर कह सकते हैं लिस्टिंग करने वाला है वो है OKX। OKX की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुका है कि उसके अब उस बता दिया कि इसके पर आपको हेमेस्टर कॉमेट की लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। हेमेस्टर क्लिक के और लिखने का आएगा और उसमें आप ट्रेडिंग करने का ऑप्शन देखने को सबसे देखने को मिल जाएगी। ये अपने रिवील कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे आप सभी लोग सभी एक लगभग ब्रोकरेज कर सकते हैं एक्सचेंज पर धीरे धीरे देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल अभी OKX पर देखने को मिला है, इसके बाद आपको बहुत सारे OKX ब्रोकरेज वगैरह पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि आपको सब बता बैलेंस वगैरह पर भी देखने को मिल जाएंगे और बैलेंस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आप सभी लोग बैलेंस यूज करते हैं तो आपके लिए सही है, और मैं अभी कहूँगा नहीं सभी लोग कनेक्ट करें क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो OKX को एक्सचेंज में होते ही OKX को ही कनेक्ट करने लगे हैं और इससे लेकर और दिक्कतें हो सकती है। आप जिसको यूज करते हो, आप जिसको आप यूज करना आपको ईजी होता होगा उसमें ही कनेक्ट कीजिएगा। फिलहाल ऐसा कोई नहीं है, जल्दबाजी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ऐसे लोग यूट्यूबर हैं जो काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी के बारे में बता रहे हैं, इसकी जल्दबाजी चीज़ें करवा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ जल्दबाजी नहीं करना। आपको तो लिस्टिंग की डेट पता चली गया है, आपको बस अपना लेवल लगातार धीरे धीरे इंक्रीज करते जाना है और लेवल जिस तरह इंक्रीज होते जाएगा। और सभी लोगों को ये भी है डाउटेड कि हमें लिस्टिंग जब मिलेगा तो कितने टोकन्स वगैरह कितने देखने को मिल सकते हैं, हेमेस्टर को टोकन्स वगैरह कितने का कितने पैसे मिल सकते हैं, कितने डॉलर देखने को मिल सकते हैं। देखिए, मैं ये चीज़ तो नहीं आपको ज़्यादा उम्मीद कर सकता हूँ, फिर भी आपको डॉग कॉन जैसे जिस तरह लिस्टिंग हुआ था उसी हिसाब से भी इससे भी कहा जा सकता है, उतने ही आपको इसके पास भी उतने ही आपको कमाने के मौका मिल सकता है जितना डॉग कॉन वगैरह भी कमाने का मौका मिला था। उससे मैं ज़्यादा बेसी भी नहीं कर सकता, बेसी भी होता है उससे ज़्यादा भी, तो उससे ज़्यादा बेसी ज़्यादा भी देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज आप लोग पता है कि आप लोग इसके पास ज़्यादा बड़ा फंडिंग वगैरह भी नहीं है, ये तो सुनने में आया ही है। और उसके पास डॉग कॉइन्स वगैरह के पास भी फंडिंग वगैरह था, जो कि आपको पता है कि टेलीग्राम उसका बैकग्राउंड फंडिंग वगैरह सब कुछ किया था, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा उम्मीद आप लोग किसी चीज़ से अब लगा के बैठ जाओगे, आपको पता चला होपलेस, अब ज़्यादा हम लगा के जहाँ 100 रुपये की उम्मीद लगा के बैठे हैं वहाँ मुझे 10 ठीक से 10 रुपया भी नहीं मिलता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा निराशा होती है। तो ऐसे में आप लोग ज़्यादा उम्मीद ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन फिर भी आप लगातार कुछ काम कर रहे हो उसमें आपको अच्छा खासा मिल जाए तो अच्छी बातें हैं। और दोस्तों, इससे कई एक्सचेंज है और कह सकते हैं ऐसे कई अभी क्रिप्टो है और उन सब पर भी अभी कई चीज़ें हैं अभी लिस्टिंग होना बाकी, उन सब पर भी वर्किंग कर सकते हो। फिलहाल आप कमेंट्स करोगे तो उस सब की भी जानकारी हम जल्द ही वीडियोस लेके आ जाएंगे, उस सब के एक्सचेंज वगैरह को भी क्रिप्टो के बारे में जानकारी जो नया आने वाला है, टोकन कॉइन्स वगैरह उन सब पर भी आप वर्क करते रहे, सब में धीरे धीरे वर्क करेंगे तो आप सभी लोग को अच्छा खासा हो जाएगा। और अभी डॉग कॉइन्स के बारे में अच्छा खासा सुनने में अभी भी मिल रहा है कि आप उसकी भी कॉइन लगातार उसके अपर ऊपर की तरफ उसका ग्राफ जा रहा है। जिन्होंने कुछ लोग होल्ड किया था उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट और प्रॉफिट हो रही है। कई लोग $1 के लिए होल्ड किए हैं, लेकिन मैं कहूँगा जो $1 के लिए होल्ड किए हैं तो वो भी होल्ड ना करें उतना लंबा, क्योंकि $1 इतना जल्दी पहुँचेगा नहीं। तो ठीक ना, उस चीज़ के लेकर मैं आप लोग कहूँगा आपको लोग अच्छा खासा अर्निंग कर लिए होंगे, तो आप लोग अभी भी कहूँगा कि आप अपना विड्रॉल वहाँ से लगा सकते हैं। डॉग कॉइन्स वालों की बातें कह रहा हूँ। अब बात रही सब की चीज़ें हेमेस्टर कमेंट को लेकर, तो मैं डिटेल्स बता ही दिया OKX वगैरह पर भी लिस्टिंग करने के लेकर, उसका सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। धीरे धीरे सारी चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और पहले आपको बकाना नहीं है, पहले अपना काम ही करते रहना, धीरे धीरे अपना स्टेप बाय स्टेप जो भी है उसको फॉलो करते जाना है। यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक दोस्तों शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।